प्रयागराज जनपद के उतराम थाना क्षेत्र के बिरगापुर गांव में बुधवार सुबह जमीन के विवाद में दर्जन भर से अधिक लोगों ने एक अधिवक्ता और उनके बेटे पर हमला कर दिया। हमला में अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी होने पर हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह अपने दलबल के साथ पहुंचकर दर्जन भर से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए सीएचसी सैदाबाद भेजा है। बिरगापुर गांव निवासी अधिवक्ता शारदा प्रसाद सिंह पटेल का गांव के ही लोगों से जमीन का विवाद है, इसी वजह से पुरानी रंजिश थी। आरोप है कि विवाद में अधिवक्ता और उनके बेटे को विपक्षी लोगों ने जमकर मारपीट कर घायल कर दिया। यह जानकारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह को हुई तो उतराम थाने पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। परिचय दीजिए आप। अशोक कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। यहाँ थाने पर इलाहाबाद थाने पाने क्या मकसद था? हमारे अधिवक्ता शारदा प्रसाद सिंह पटेल, इनको धारदार हथियार लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा गया है। बेहोश करके, मृत समझ करके ये लोग यहां से छोड़कर चले गए। गांव के लोगों ने इनके घर को सूचना दी और घर के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल एक्शन में आई। इनके परिवार के साथ इन्हें थाने लाया गया। मुझे सूचना दी गई, तमाम अधिवक्ता हमारे साथ यहां तक आए कि ये गुंडे माफिया सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो और इन्हें तत्काल इनका सही जगह जो जेल है वहीं पहुंचा दिया जाए। FIR दर्ज हो गई है। पुलिस कार्रवाई संतुष्ट है? पुलिस कार्रवाई से हम पूरी तौर से संतुष्ट हैं, क्योंकि SHO ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और सभी लोगों को